Hello students, myself Hukma Ram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College, Bikaner. जैसा कि आपको पता है कि ई लेक्चर की ये सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ. और इस ई लेक्चर की सीरीज में उसी के कंटिन्यूस में मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का, जिसमें आपको वर्क पावर एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगा. जो लास्ट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, उसके बारे में. वर्क पावर एनर्जी के बारे में मैं इससे पहले दो वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, जिसमें यहां से मैंने शुरू किया था वर्क पावर एनर्जी. एक वीडियो मेरा था वर्क डन पे पूरा, कि कार्य क्या होता है, किस तरीके से कार्य अपन निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है. और ये कार्य था वर्क डन कॉन्स्टेंट फोर्स, फिर वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, इसी तरीके से वर्क डन ऑफ ए सर्कुलर मोशन, और फिर उस वर्क डन की यूनिट्स. और फिर अपन ने पढ़ा था पावर, सेकंड वीडियो में पावर. उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं कि सेकंड वीडियो में क्या क्या देखा था अपन ने. इस टॉपिक के सेकंड वीडियो में पार्ट टू में अपन ने देखा पावर क्या होती है, उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं. जैसे पावर की यूनिट वॉट होती है, एचपी होती है, जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है. फिर अपन ने देखा पावर के टाइप, जिसमें ब्रेकिंग पावर या ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड पावर क्या होती है, उनके बारे में देखा था. फिर अपन ने देखा था कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं, किसी भी मशीन की दक्षता कैसे निकालते हैं, वो अपन ने देखा था. और इसमें मैंने कहा था कि दक्षता है वो 0 से 100% के बीच में होती है. और मैंने कहा था कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको लेके आऊँगा. तो यहाँ फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वर्क पावर एनर्जी का पार्ट फर्स्ट और वर्क पावर एनर्जी का पार्ट सेकंड वीडियो देखें, उसके बाद इस पार्ट थर्ड को वीडियो को देखें, क्योंकि तीसरा है एनर्जी के रूप में. उससे पहले मैं दो बना चुका हूं, वर्क डन और पावर पे, ये तीसरा है एनर्जी पे. इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इन सब की एक एक करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा. जैसे एक में वर्क की, फिर पावर की, फिर एनर्जी की, न्यूमेरिकल्स कैसे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा. इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग अपने साथियों को ये बताएं किस तरीके से ये वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इसका अच्छे से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारी तो मेहनत लगी रही है. जितने ज़्यादा लोग आप लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ये होगा कि हमारी चीज़ है वो काफ़ी लोगों तक पहुँची है और उसका कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है. तो चलो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, एनर्जी, जिसे ऊर्जा कहते हैं. एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता. जैसे इसको मैं थोड़ा सा वैसे बताना चाहूँगा आपको, पहले इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से थोड़ा जोड़ना चाहूँगा. आप देखते होंगे कई बच्चे जैसे होते हैं, कई बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं, उसमें इतनी एनर्जी होती है. अपन कहते हैं इसमें बहुत एनर्जी, इसमें बहुत ऊर्जा है, ये पूरे दिन खेलता है, ये एनर्जेटिक है, ये पर्सन एनर्जेटिक है, ये आदमी बहुत ऊर्जावान है. ये सब चीज़ें अपने को दैनिक जीवन में सुनने को मिलती है. एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा का मतलब जैसे मैंने बताया बच्चे वाला, कि एक बच्चा एकदम, कई बच्चे होते हैं एकदम डल से होते हैं, वो ज़्यादा ना तो खेलते कूदते हैं और ना ज़्यादा कुछ और काम करते हैं. फिजिकली कहने का मतलब फिजिकली वर्क जो है वो काफ़ी कम करते हैं. मेंटली तो क्योंकि बच्चा है, छोटा है, तो मेंटली वर्क तो अपने को नहीं पता कि वो कितना क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है. लेकिन फिजिकली वर्क अपने को दिखता है, जो एकदम क्लियर बाहर से हर किसी को दिखता है, कि फिजिकली वर्क वो कुछ करता ही नहीं है, बैठा है आराम से, बहुत कम वर्क करता है. और एक उसी के साथ में दूसरा बच्चा है जो पूरे दिन फिजिकल वर्क करता है, पूरे दिन खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, गिरता है, उठता है. तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में, दोनों के शरीर में एनर्जी लेवल अलग अलग है. एक की एनर्जी कम है, इस कारण से वो डल टाइप में रहता है, और दूसरे में एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी बहुत है उसके अंदर स्टोर्ड, जिसके कारण से वो उस एनर्जी को खपाता है, उस एनर्जी को खर्च करता है, और पूरे दिन वो फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व रहता है. तो उसे अपन कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा. ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, किसी आदमी की कितना कार्य करने की क्षमता है. जैसे कोई आदमी 4 घंटे तक उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी दक्षता के साथ काम कर सकता है. कोई आदमी कहता है नहीं, मैं तो 1 ही घंटे काम कर सकता हूँ. जैसे आप में से विद्यार्थियों में भी होता होगा, कई बच्चे होते हैं जो डेली के 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, कई डेली के 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं. कुछ एक होते हैं जो 1-1.5 घंटा ही पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो आधा घंटा ही पढ़ पाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो थक गया, नींद आने लग जाती है, थकावट महसूस होती है. दैट मीन्स उनमें एनर्जी लेवल कम है, यानी उनकी एनर्जी, उसके अंदर ऊर्जा कम है. तो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसे ही अपन कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा. अब बात करते हैं इसकी कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एनर्जी की जो यूनिट्स है वो क्या होती है.
जो यूनिट कार्य करने की, क्योंकि कार्य करने की क्षमता है, तो जो यूनिट कार्य की है वही यूनिट अपने एनर्जी की होती है। और कार्य की यूनिट अपन ने पहले वीडियो में, पहले इस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ रखा है पार्ट फर्स्ट में, कि जो कार्य की एनर्जी है वो जूल होती है या न्यूटन इंटू मीटर होती है। तो जूल और न्यूटन इंटू मीटर यही अपनी यूनिट हो जाएगी एनर्जी की, ऊर्जा की भी यही यूनिट हो जाएगी जूल और न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपन की एनर्जी जो है ऊर्जा वो कितने प्रकार की होती है। जो अपने एनर्जी या जो ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, या जिसे अपन कह सकते हैं रेक्टिलिनियर एनर्जी। यानी एक को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और रेक्टिलिनियर मोशन जिसको अपन कह सकते हैं एक रेखीय या सरल रेखीय ऊर्जा। अब बात करते हैं इनको वन बाय वन करके अपन समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसे कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किससे अपन ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी अपन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है इसका मतलब होता है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो भी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। जैसे मान लो सपोज आपने 5 किलो का भार उठा के आप खड़े हो गए हाथ में, आपने जमीन से 1 मीटर ऊंचे पे रख रखा है हाथ को, तो आपके हाथ को भार महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो जो वस्तु है उसके अंदर जो आपने भार उठा रखा है 5 kg का या 10 kg का, उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ ऊर्जा स्टोर्ड है, उसको रजिस्ट करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो वो जो वस्तु की ऊर्जा है, वस्तु गति नहीं कर रही, सिर्फ स्थिर अवस्था में पड़ी है आपके हाथ में, तो वो जो वस्तु है उसमें जो ऊर्जा है संग्रहित, जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसे ही अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है स्थितिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी उसमें जो संग्रहित होती है स्थिर अवस्था में ऊर्जा, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है अपनी पीई, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच, ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, जहां एम होता है मास, उस वस्तु का मास जिसकी ऊर्जा अपन ज्ञात कर रहे हैं, मास यानी द्रव्यमान, मास ऑफ बॉडी यहाँ मैंने लिखा है। और इस फॉर्मूले में जो जी है वो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्व त्वरण इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर एच, एच होता है हाइट अबो द ग्राउंड, यानी उस वस्तु को अपन ने कितनी ऊंचाई पर उठा रखा है वो कहलाएगी उसकी हाइट। मास को रखेंगे अपन केजी में और हाइट को रखेंगे अपन मीटर में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपन रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जो ऊर्जा आएगी उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनटू मीटर, जिसे अपन कहते हैं जूल। तो ये अपन ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पर, गतिज ऊर्जा पर। जो काइनेटिक एनर्जी है अपनी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा का मतलब जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस समय उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कहलाएगी गतिज ऊर्जा। जैसे मान लो आप चल रहे हो या गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी जब चल रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी वो चल रही है। तो जब वो चल रही है उस टाइम उसकी जो एनर्जी है वो कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यानी जब वस्तु कोई गतिज अवस्था में होती है या गतिशील अवस्था में होती है तो उस अवस्था में उसमें संग्रहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब आते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, के ई का मतलब काइनेटिक, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, जिसका दूसरा नाम रेक्टिलिनियर एनर्जी भी है, सरल रेखीय ऊर्जा भी है। उसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एम का मतलब मास और वी स्क्वायर, वी का मतलब वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम हो गया मास, वी हो गया
वेलोसिटी, यहाँ पे फिर अपन मास वही केजी में रखेंगे और वेलोसिटी जो है ये अपन रखेंगे मीटर पर सेकंड में, जो वेग है उसका मान अपन रखेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये अपने हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अपन बात करते हैं, एक होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है अपनी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों का योग है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, दोनों को जोड़ दो वही अपने पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। अब अपन बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि प्रकृति में जितनी भी ऊर्जा है वो हमेशा फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, वो हमेशा कंजर्व्ड है, संरक्षित है। ऊर्जा को अपन नष्ट नहीं कर सकते, ना ही ऊर्जा को अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, यानी सिर्फ अपन चेंज कर सकते हैं उसकी फॉर्म का, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपन एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी ना तो अपन जनरेट कर सकते हैं और ना ही अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी जैसे अपन बात करें, जैसे अपन मान लो, मैंने कहा था, जैसे अपन ने कहा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन कहीं देते हैं, या जैसे अपन आता है कि इतनी बिजली उत्पन्न करी, तो जब बिजली उत्पन्न हो रही है तो एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, तो एनर्जी उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन उस एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए अपने को वहां पहले से फिर कुछ ना कुछ चाहिए कि उत्पन्न करने के लिए, या तो अपन ने जो कॉयल है, कॉयल बेस्ड होता है, थर्मल पावर प्लांट जिसको अपन कहते हैं, वो होगा, तो उसमें कोयला जलेगा, तो उसकी एनर्जी जो कोयले में स्टोर्ड एनर्जी थी वो सारी यूज हो गई, तो उसकी यूज करके, स्टोर्ड कोयले की स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके अपन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी, यानी उस कोयले की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। इसी तरीके से हाइड्रल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रल पावर प्लांट में क्या होता है, जो द्रव्य चलित पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि डैम बना दिया जाता है और पानी को पीछे रोक के, और फिर पानी को एक पेनस्टॉक के सहायता से, एक बड़े डायमीटर के पाइप की सहायता से टर्बाइंस के ऊपर चलाया जाता है, और फिर वो टर्बाइंस घूमती है, और टर्बाइंस घूमती है तो टर्बाइंस से जुड़े हुए जनरेटर घूमते हैं, और जनरेटर काम करते हैं, शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं, शाफ्ट घूमते हैं, फिर जनरेटर चलते हैं, और जनरेटर चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो काम क्या किया अपन ने, अपन ने जो हाइड्रल एनर्जी थी उस हाइड्रल एनर्जी को जो हेड के रूप में थी उसको टर्बाइन पे काम कराया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया, उसकी प्रेशर एनर्जी को यूज किया, और उसको यूज करके, काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट कर दिया आगे जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो कहने का मतलब एनर्जी को अपन सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन अपन ना तो एनर्जी नष्ट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी अपन बना सकते हैं, जनरेट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी तरीके से एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण में भी यही होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, जब तक अपन उसमें से तोड़ नहीं दे कुछ, या कुछ उसमें जोड़ नहीं दे, तब तक उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। आज अपन जैसे यहाँ पे है, पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 kg है तो उसको चाहे चांद पे ले जाओ, चंद्रमा पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, उसका द्रव्यमान, उसका मास तो वही रहेगा 5 kg, उसका वेट चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी आप ये नहीं पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ वेट, वेट नहीं आता, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये होती है ऊर्जा संरक्षण। और इसी तरीके से होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है कि द्रव्यमान है वो भी हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये था अपना पूरा टॉपिक जो अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर था, उसके बारे में मैंने सारा बताया, आप अपने आज डिस्कस किया एनर्जी के बारे में। इससे पहले भी 2 वीडियो है, एक वर्क डन के बारे में और दूसरा पावर के बारे में। अब इसमें आती है बात कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके अंदर, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो पूछ लिया, या फिर एनर्जी के बारे में, एनर्जी पूरी टोटल क्या एनर्जी है उसके बारे में पूछ लिया, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पूछ लिया, ये फॉर्मूले पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी को कई बार यू से भी लिखते हैं, कैपिटल यू इज इक्वल टू mgh, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और सब्जेक्टिव में क्या इनका छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर इनका कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्क का, एनर्जी का और पावर का, तीनों का
अलग अलग आपको न्यूमेरिकल्स करवा, कम से कम एक एक न्यूमेरिकल सबका सैंपल के तौर पे मैं करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए पूरा, और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद।